सिस्टर ने बताया कि मेरे वालिद साहब छुप छुप के रोते हैं कि पता नहीं ये क्यों फंस गए हैं, आगे तो हम कुछ कर लें, घर जाते हैं तो भी मरते हैं, इधर इधर हमारे साथ वो आलवा जैसे एक कुएं में फेंका हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सेबी काजमी और आप देख रहे हैं मेरा शो लाइव विद सेबी काजमी। नाज़रीन, पाकिस्तान के बहुत से आपको पता है लोग दुनिया भर में अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए, उनके रोज़गार के लिए दुनिया भर के मुख्तलिफ़ ममालिक में इस वक्त जो है वो रिहाइश पज़ीर हैं। कुछ लोग आपको पता है वीज़े पर जाते हैं, ख़ास तौर पर अरब ममालिक में इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं। अब वहाँ पर अक्सर व बेशतर आपको पता है कि 2020 से जो हालात हैं दुनिया के बदले हैं, इन बदले हुए हालात का ये लोग भी बड़ी बुरी तरह शिकार हुए हैं, जहाँ पर कुछ कंपनियाँ भी इन हालात का शिकार हुई हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया में पाकिस्तानी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। इसी तरह ये पाकिस्तान के 9 अफराद इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और इन लोगों ने रब्ता किया, इन्होंने कहा कि हमने हर जगह कोशिश कर ली है, हमने हर जगह पर बात की, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। मैंने इनकी बात सुनी, मुझे इसमें वज़न लगा, तो मैंने इन्हें बताया कि आप मेरे शो में आएँ। फिर शो को इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक, उनकी टीम तक, हमेशा की तरह जिस तरह आपको पता मेरी कोशिश होती है जब भी कोई मेरा कोई इस तरह प्रोग्राम में आ जाए जिसका कोई इस तरह का जेन्युइन मसला हो, तो हम लोग उसे प्रोग्राम को इस्तेमाल करके प्लेटफॉर्म को कोशिश करते हैं कि इसे उन लोगों तक पहुँचाया जाए जो कि इस मसले को हल कर सकते हैं। दुबई में वैसे कौंसल में जो वहाँ पर सफारतकार हैं उनसे भी मैंने रब्ता करने की कोशिश की, आज काफ़ी अपना टाइम उस पर लगाया, लेकिन अभी तक फ़िलहाल कोई कामयाबी नहीं। हो सकता है शो के बाद जब आप लोग मदद करें और ये थोड़ा वायरल हो, उनको नज़र आए, तो शायद इन लोगों की मदद हो सके। ये 9 पाकिस्तानी नहीं है, बेसिकली मैंने हिसाब लगाया कि इनके अगर फैमिली और उनके बच्चे और उनके बुज़ुर्ग सारे ऐड करें तो ये तकरीबन 60-70 लोग बनते हैं और फिर इनके साथ जुड़े हुए और बहुत से लोग हैं। इसी तरह सिर्फ ये मसला सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान दुबई में या सऊदी अरब में या कतर में नहीं है, दुनिया के और भी बहुत से ममालिक में है। कोशिश है कि हर जगह पर इस तरह का प्रोग्राम करके लोगों तक आगही भी पहुँचे और तक उनके हालात की खबर जो है वो आला अहदेदारों तक पहुँचे, ताकि उन्हें अगर उनसे कुछ हो सके तो अपने पाकिस्तानियों की ज़रूर फिक्र करें। मौजूदा हुकूमत ने पहले भी इससे बड़े अच्छे काम किए, मलेशिया पर मैंने प्रोग्राम किया, वहाँ से उन्होंने लोगों की रिहाई की मदद की, सऊदी अरब पर की, इस तरह कुछ लोगों की डेड बॉडीज़ मैयतें लाने में करने में बहुत से लोग काम करते रहे। लेकिन अब उम्मीद है इंशाल्लाह अब इस वक्त कुछ तब्दीलियाँ आई हैं पाकिस्तानी सियासत में, तो देखते हैं कि अब जो नए लोग आ रहे हैं वो कहाँ तक तावन करते हैं या नहीं करते। तो तावन खैर मेरे साथ नहीं करना, उन्होंने पाकिस्तानी लोगों के साथ करना है और हम लोग सिर्फ ज़रिया है। आए एक छोटी सी ब्रेक के बाद इनसे बात करते हैं, मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं इनकी एक वीडियो मैं आपको पहले दिखाता हूँ जो इन्होंने मुझे सेंड की सुबह, और इसके बाद इनसे इंटरव्यू में बात करते हैं कि इनका असल में मसला है क्या, ताकि आपको समझ आ सके। मेरे साथ हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अच्छा नदीम साहब मेरे साथ मौजूद है जी, इनके साथ ये सारे लोग रह रहे हैं जिनकी अभी आपने वीडियो भी देखी, और नदीम से पूछते थे, नदीम ये बताएं कि क्या मसला क्या है जो आपने मुझे बताया, आप अपने अल्फाज में ज़रा लोगों को भी बता दें कि ये सारा सिचुएशन, ये सारी सूरत हाल है क्या। जी हम दुबई में हैं, तो अबू धाबी में, रुवेस में, पिछले कुछ 9 आदमी हैं, कुछ 11 साल से, कुछ 7 साल से, कुछ 9 साल से, और हमें कंपनी ने ये कोरोना के दौरान हमारे थोड़े वीज़े वूजे नहीं लग रहे थे, कोई थोड़े इशू थे इधर लेट लग रहे थे, उस दौरान हमारा वीज़ा ख़त्म हो गया। तो हमने फिर कंपनी को बोला या हमारे वीज़े लगवाओ या हमें वापस भेजो, या हालांकि कोरोना के टाइम में इनके पास थोड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे। इन्होंने हमें बोला कि ठीक है हम आपके वीज़े लगाते हैं, ऐसे करते करते 6 माह जब गुजर गए ना, तो हमने इनको फोर्स किया, हमारी सैलरियाँ इन्होंने रोक ली। जब फोर्स किया इन्होंने बोला भाई सैलरी वैलरी कुछ नहीं है, जो करना है करो, जाओ कोर्ट में जाना है जो करना है करो। हम मजबूर क्योंकि हमारे पास वीज़े भी नहीं थे, ना हम पाकिस्तान आ सकते थे, ना फिर फाइन भी ऊपर हो गया था। तो कंपनी वालों ने हमें बोला कि जाओ केस कर दो, फिर हमें मजबूर होकर केस करना पड़ा। जब हमने केस कर दिया तो ये पहले 4 महीने एक जगह पे चलता रहा, फिर उसके बाद आगे शिफ्ट हो गया कोर्ट में। कोर्ट वालों का जब फैसला आ गया तो फिर भी हमें कंपनी पैसे नहीं दे रही, आया कि हमारी रात को रोटी भी बंद कर दी है, ना तो हमें रात को खाना मिला है, हमारी ये जो बिजली है वो काट दी गई है, हम इस वक्त ऐसे ही वो कब्र वाला हिसाब बना दिया, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो प्लीज़ इस मामले में हम अम्बेसी भी गए हैं, इधर का इंजार वो एक कोर्ट है उधर भी गए हैं, तहसील भी गए हैं, और हर जगह पे जिधर जिधर जाना था चले गए हैं, लेकिन अभी ना तो हमारी जेब में कुछ पैसे हैं, ना कोई हमारी आवाज़ सुन रहा है। तो इसके लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे ये मसाइल सुने जाएं और हम हल किए जाएं।
अच्छा ये बताएं नदीम कि आप यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं और अब तक आपने कहाँ कहाँ रबते किए हैं? पाकिस्तानी हुकूमत से क्या आपने डायरेक्ट रबता किया? आपने एम्बेसी का जिक्र तो किया है। हमने इधर एम्बेसी भी गए हैं, चार पांच चक्कर उधर लगाए हैं। इसके अलावा जो पोर्टल सर्विस है जो जो इमरान खान साहब ने शुरू की है उस पर भी हमने कम अज कम मेरे ख्याल 3-3 कम्प्लेने हम सब ने की, तो उसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब ये 9 लोग जो है पाकिस्तान के किस इलाके से हैं आप लोग? 2 खेड़ा से हैं, 1 जेलम से है, 1 आजाद कश्मीर से है और 1 लाहौर से है। इस वक्त अगर जो आपका थोड़ा स्टे भी ज़ाहिर ऊपर हो चुका है तो आपका जो जुर्माना होगा या इस वक्त जो आपकी तनख्वाहें हैं, ग्रेजुटी है, प्रोविडेंट फंड जो भी है, ये सारा अगर मिलाए तो कितने पैसे बनते होंगे? या वीजा खत्म हुए, किसी को 2 साल होने वाले हैं, किसी को 10-12 महीने हो गए हैं, तो ऐसे जुर्माना तो हमारे ऊपर बहुत है क्योंकि अभी डेली का 100 दिरहम फाइन पड़ रहा है। हमारे पास ऑफर लेटर भी थे, हम गए दूसरी जगह पर, यानी कि हमें जॉब मिल रही थी, लेकिन हमें अलाउड नहीं है काम करना, ना हम काम कर सकते हैं, ना हम घर में जा सकते हैं, ना हमें पैसे मिल रहे हैं, तो इस वजह से फंसे हुए हैं। हमारे घरों में जो बीमार हैं उनकी दवाई नहीं ली जा रही, यहाँ तक कि छोटी और बड़ी ईद पे मैंने, अब मेरी एक ही बेटी है, उसके कपड़ों के लिए भी पैसे मैं नहीं भेज सका। तो अगर आप उनकी अपने घर वालों की इस वक्त मदद नहीं कर सकते, उन्हें पैसे नहीं भेज रहे, तो फिर आपका घर का गुजारा इस वक्त कौन चला रहा है, किस तरह चल रहा है? तालीम बंद हो गई है, मेरे वालिद जो दिल के मरीज हैं उसने 2 महीने से दवाई नहीं ली, और मेरी एक छोटी सिस्टर एमए कर रही थी, उसकी तालीम के सिलसिले में इधर रुका हुआ था, वो तालीम उसकी बंद हो गई है। अभी वो ट्यूशन पढ़ा रही है, कुछ 5-6-7 हज़ार रुपया बनता है, क्योंकि सारे सादा लोग हैं, गाँव के लोग ज्यादा हैं, एक दो शहर के हैं, कुछ के घर में कमाने वाले अकेले हैं, कुछ जो है घर के सरबरा हैं, तो ऐसे करके किसी का निज़ाम भी नहीं चल रहा। ऊपर से कर्जा हमारे ऊपर अलग से हो गया, 3-3-4-4 लाख कर्जा हो गया हमारे ऊपर। अच्छा नदीम साहब, फ़र्ज़ करें अगर ये प्रोग्राम किसी तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान देख लेते हैं, आपके कुछ सफ़ीर देख लेते हैं, उनको ये नज़र आ जाता है, तो अब आप इसको मेरे साथ मौजूद हैं, कोई अल्लाह का बंदा उन तक शेयर कर ही देता है, उन तक पहुँच जाती है उनके मोबाइल में वीडियो, क्या कहेंगे उन्हें आप, क्या मदद करें वो आपकी? 9 महीने से हमें बिठाया, उसका भी कुछ नहीं मिल रहा। जो हमारा हिसाब है, जो इधर के कानूनी तरीके से वो हमें हिसाब दिया जाए और हमें यहाँ से निकाला जाए। हम तो एक किस्म के कैद में, हम हर कोर्ट में जिधर जिधर जाना था जा चुके, अभी हमारी ना जेब में पैसे हैं, यहाँ तक कि हमारी बिजली बंद कर दी गई है, रात को बिजली बंद कर दी, खाना भी बंद कर दिया। ये तो कोई मुजरम भी हो तो उसको भी ये सजा नहीं मिलती जो अभी हमें यहाँ मिल रही है। अच्छा एक तो ये बताएं आप कहाँ पे हैं, किस शहर में हैं वहाँ पर, और दूसरा कि अगर PIA आपकी मदद करे और आपको सिर्फ वापस से ले आए खाली, तो क्या ये काफ़ी है? सर जी हमारे ऊपर कर्जा है, हम वो लोग इधर रुके थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हम 10 साल 9 साल काम इधर, किसी ने 7 साल, किसी ने 9, किसी ने 11 साल, सब ने काम इसीलिए लंबा भी किया, उसकी हमारी सैलरियाँ भी रुक गई, हमारे लीव सैलरियों, टिकट के पैसे, हमारी सर्विस, सब कुछ इन्होंने नहीं दिया। और उसके अलावा जो कोर्ट ने फैसला किया वो तकरीबन 30% के करीब हमें मिल रहा है, तो वो भी हमें नहीं दे रहे। ये भी बात नहीं है कि कंपनी के पास पैसे नहीं, उनका 3 साल से एक प्रोजेक्ट बड़ा चल रहा है और इनके पास मशीनरी भी बेतहाशा पड़ी हुई, एक मशीनरी भी बेचें हमारा कितना 1-1.25 लाख दरम है सब 9 आदमियों का। तो हम पाकिस्तान जाएंगे तो उधर तो जिनसे ले लेके घर वाले अभी गुजारा कर रहे हैं वो तो हमें फिर जीने नहीं देंगे, उनको हम किधर से वापस करेंगे। मैं पाकिस्तान लाहौर से लाहौर का रहायशी हूँ और वादत कलोनी रहता हूँ मैं, और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि मैं इधर UAE में फंसा हुआ हूँ और हमारी कंपनी हमारे सैलरी वगैरह नहीं दे रही और हमारा हिसाब किताब 11 साल का हिसाब किताब नहीं दे रही, और पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील है कि हमें इधर से निकाला जाए और हमारे हकूक हमको दिलाए जाए, क्योंकि हम बहुत मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। मेरी फैमिली उधर बहुत परेशान है क्योंकि हम किराए के मकान में रहते हैं और इतने अखराजात भी नहीं है कि अभी हम के वो घर के पूरे कर सकें। इधर हमें तकरीबन 11 महीने हो गए, हमारा वीज़ा खलास है और मेरी बेटी की शादी थी, इन लोगों ने मुझे बोला था साफ्ता दे के वापस भेजेंगे, कोई पैसा नहीं दिया, अभी मैं इतना मकरूज हो गया हूँ कि मैं कर्जा भी नहीं उतार सकता इधर से, और बड़ी मेहरबानी होगी कि हमारा इधर से साफ्ता दिला के हमें बाइज्जत तरीके से इधर से रवाना किया जाए। पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साबिर हुसैन है और मैं 9 साल से एक कंपनी अबू धाबी की ट्रांसमेरलिस्ट उसमें काम करता हूँ। मेरा वीज़ा जुलाई 2020 को ख़त्म हो गया था और कंपनी ने नहीं लगाया और ना ही सैलरियाँ दी हमें। हमने केस किया, वो जीत गए, इसके बावजूद भी
हमें ना वो पाकिस्तान भेज रहे हैं, ना हमें काम दे रहे हैं और ना हमें पैसा दे रहे हैं। तो बराए मेहरबानी हमारी मदद की जाए और हमें ये अपने हक हकूक दिलवाए जाएँ और पाकिस्तान वापस बुलाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अली, हम मेरा नाम नदीम अहमद है, केपीके से हूँ, पाकिस्तान केपीके से। हम तकरीबन एक साल से यहाँ फंसे हुए हैं और 2 साल हो गए हमारा वीज़ा खलास है। और यहाँ ये जो हमारी कंपनी है ट्रांस मिडल ईस्ट, ये जो है ना हमारा वीज़ा लगा रही है, ना हमें हमारा हिसाब दे रही है, ना हमारी सैलरी दे रही है, जिसकी वजह से हम बहुत ही परेशान हैं। और उसमें यह है कि मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वाइफ भी मेरी एंजाइटी की मरीज़ है, बच्चे हैं वो भी पढ़े हैं मगर तालीम पे उनका जो है ना स्कूलों से फारग कर दिया गया है फीस ना देने की वजह से। हम हुकूमत पाकिस्तान से और पाकिस्तानी सफारत खाने से अपील करते हैं कि हमें यहाँ से हमारा हक हकूक दिलवा के हमें वापस बुलाया जाए। हमने केस भी किया था कि जो के हमारे हक में फैसला हो गया है मगर वो हमें पैसे नहीं मिल रहे, हमें हमारा हक भी दिलवाया जाए और हमें वापस अपने मुल्क भेजा जाए। अस्सलाम वालेकुम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। सर हम लोग बहुत बुरी तरह फंस गए हैं सर, हमें तकरीबन 6-7 7वां महीना भी स्टार्ट हो गया है। तो मेरी तो 3 बेटियां हैं, तो कोरोना की वजह से वैसे भी बड़ा नुकसान हो गया, 6 महीने हो गए हम लोग बगैर सैलरी के बैठे हुए हैं। कंपनी पे हमने केस किया हुआ था लेकिन कंपनी का केस तो हम लोग जीत गए थे अभी तक, लेकिन उन्होंने हमें कोई कॉल करके पूछा भी नहीं है कि आपके साथ क्या बन रहा है, बस सिर्फ खाना दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं है, कुछ कोई सैलरी नहीं दे रहे। तो मेरा नाम अब्दुल कदीर आज़ाद, कश्मीर से मेरा ताल्लुक है। हम लोग गल्फ में आए हुए हैं तो टोटल 9 साल हो गए हैं, 3 साल से हमारी कंपनी जो है वो सैलरियाँ बैलेंस कर रही है, काफ़ी सारी सैलरियाँ पेंडिंग हो गई हैं हमारी, तो वो भी नहीं दे रही है। तकरीबन 10,000 मेरी सैलरी पेंडिंग है और उसके बाद मेरे जो 9 साल की सर्विस है वो भी पेंडिंग है, वो टोटल मिला के तो मेरा तकरीबन 21-22,000 दिरहम बनता है। तो हम लोग केस किए थे तो कोर्ट ने जो पेपर बना के दिए हैं तो उसमें टोटल 8,000 आया है, तो वो भी कंपनी नहीं दे रही है, हम लोगों को बैठा दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून खान है सर। सर मैं ट्रांस मिडिल ईस्ट में काम करता हूँ और हमारे पठानूनी माँ हो गया, वीज़ा भी नहीं लगवाए और हमारे रूम में बैठा दिया है और इसके अलावा हमारे सैलरी भी नहीं दे रहे। हमने केस किया, केस हमारे हक में हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी एहसानुल्लाह, मैं मियां दी रौण वाला। सर ये पीर साड़ी ये है कि सब कंपनी बिठा छोड़ा है, काम चलने कम तो बिठा छोड़ा, सारी सैलरी रोक छोड़िया, तो असा केस किया, केस भी जीत गए, तो सब कोई हुकूमत तरफ होते कोई रिप्लाई नहीं मिलने पे, ना वैसे सारी इतने काम करनी पे, सब कुछ नहीं, वैसा खुद कफील हाँ मैं घर ना, तो बड़ी मजबूरी है घर, हूँ इतना पैसा कौन नहीं कि सौदा ले सका, तो सारे को कुछ भी कौन नहीं मिला, कि दफ्तर वाई सका या किसी साइड से वाई सका, तो ना सा को काम तो कोई चले जाए, क्यों किसी को काम खा तो कहें तो वीज़ा एक्सपायरी है, तो ऐसा बड़े मजबूर हाँ, सारा मसला हल किया वाने, सारी हुकूमत को अपील है, बड़ी मेहरबानी। कुरान शरीफ है, मैं सरगोधा का रहने वाला हूँ, यहाँ पर अमारात में हम लोग फंसे हुए हैं, मेरे वालिद साहब भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बीमार हैं और मैं वापस आना चाहता हूँ। मैंने कंपनी को बोला है कि खाली मुझे टिकट दे और उधर से निकाले, क्योंकि मेरे मुझे वालिद साहब की बहुत ज़्यादा परेशानी है, मेरे घर में दूसरा आदमी भी कोई नहीं है, मैं अकेला माँ बाप का बेटा हूँ। तो बराए मेहरबानी मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि किसी भी तरीका से मुझे यहाँ से निकाले, और अबू धाबी सफारतखाने से भी अपील है कि मुझे यहाँ से किसी न किसी तरीका से निकाले, ताकि मैं अपने घर जाके अपने वालिद साहब का खिदमत और तिमारदारी कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम, मेरे साथ बात करने का। हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी तरह आपका ये जो प्लेटफॉर्म है वो जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उन्हें अंदाज़ा होगा। सियासत पे देखें मैं अक्सर रोज़ाना बात करता रहता हूँ, इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी बात करता हूँ, लेकिन ये चीज़ें नदीम हो गया इस तरह के और बहुत सारी, इनके काम बहुत जेन्युइन है, बड़े ज़रूरी हैं, ये हमारे लिए सबसे आगे और सबसे अहम होने चाहिए। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर करें,
और ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पर अगर किसी की आईडीज़ को टैग करें और मिनिस्ट्री को टैग करें ताकि वो लोग इन प्रोग्रामों को देख कर कुछ थोड़ा सा शायद उन्हें कुछ ख्याल आ जाए कि लोग कितनी तकलीफ़ में कितनी मुश्किल में हैं। अल्लाह इनकी मुश्किल को आसान करे, मेरी दुआ है। हम लोगों ने कोशिश अपनी तरफ से की है, बाकी जो अल्लाह करेगा वही बेहतर होगा। अपना खास ख्याल रखें। प्रोड्यूसर जमील हुसैन के साथ टीम सेविक आज़मी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।